गाइस दुनिया में एक समय ऐसा भी था गाइस जब कोई भी करेंसी नहीं थी। तो गाइस उस टाइम पे वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। लेकिन गाइस बाद में नोट और सिक्के अस्तित्व में आने की वजह से गाइस जो हमारे लेन देन की प्रक्रिया थी गाइस वो पूरी तरह से चेंज हो गई थी। और गाइस आज के टाइम में यही नोट और सिक्के हमारी करेंसी हैं। लेकिन गाइस इसके अलावा भी एक करेंसी होती है जो पूरी तरह से डिजिटल होती है, और गाइस यहाँ पे इसी को क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे सवाल ये आता है गाइस कि आखिरकार क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसके अलावा गाइस इसके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रदीप, और गाइस आज की वीडियो में आपको डिटेल में गाइस यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। आज हर देश के पास अपनी एक करेंसी होती है, जैसे भारत के पास रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर, सऊदी अरब के पास रियाल है। तो गाइज वैसे हर देश के पास अपनी एक करेंसी होती है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक सवाल ये आता है, आखिर करेंसी क्या होती है? तो गाइज करेंसी बहुत धन प्रणाली होती है गाइज, जो किसी भी देश द्वारा यहाँ पे मान्यता प्राप्त होती है, यानी गाइज उसकी एक वैल्यू होती है। गाइज आपको याद होगा 2016 में जब भारत में डिमोनेटाइजेशन हुआ था गाइज, तो उस टाइम पे जो 500 हजार के जो गाइज जो पुराने नोट थे उनकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि गाइज उनकी मान्यता उस टाइम पे सरकार द्वारा खत्म कर दी गई थी। या इसके अलावा गाइज हम जिसके बदले किसी वस्तु या सेवा को खरीद सके उसे यहाँ पे करेंसी कहा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जिसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है, और गाइस जो इसमें प्रत्येक लेन देन होते हैं उनका डिजिटल सिग्नेचर द्वारा यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाता है, और गाइस क्रिप्टोग्राफ की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। गाइस अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी होती है जो कि क्रिप्टोग्राफ द्वारा सुरक्षित होती है, और गाइस इसको नामुमकिन होता है गाइस यहाँ पे कॉपी करना। वास्तव में गाइस क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है जो कि कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी होती है, यानी कि गाइज इसका कोई भी फिजिकली अस्तित्व नहीं होता है, और गाइज यह डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि गाइज इस पर किसी भी देश का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए इसे शुरुआत में इलीगल करार दिया गया। लेकिन बाद में बिटकॉइन की यहाँ पे लोकप्रियता को देखते हुए बहुत से देशों ने इसे लीगल करार दिया। लेकिन गाइस अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसके खिलाफ हैं। हालांकि गाइस क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन गाइस इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, यानी कि गाइस आप क्रिप्टो करेंसी की हेल्प से गाइस यहाँ पे सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन गाइज आप इसे अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते हैं, और ना ही गाइज आप इसे बैंक लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि गाइज यह डिजिटल के रूप में ऑनलाइन रहती है, इसलिए इसे डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी और वर्चुअल मनी भी कहा जाता है। गाइज अगर हम यहाँ पे बात करें क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू की, तो गाइज इसकी वैल्यू जो फिजिकल करेंसी होती है गाइज जिसे हम यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा होती है, और गाइज कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तो गाइज यहाँ पे डॉलर के मुकाबले हजार गुना ज्यादा होती है। लेकिन गाइज यहाँ पे सच बात यह है गाइज जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसकी वैल्यू स्थिर नहीं होती है, यहाँ पे कई बार गाइज इसमें बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होते रहते हैं जिससे एक दिन में इसकी वैल्यू कई बार बदलती रहती है। असल में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है, यानी कि इसमें लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है और साथ ही पावरफुल कंप्यूटर्स द्वारा इसकी निगरानी की जाती है जिसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है, और जो ये माइनिंग करते हैं गाइज यहाँ पे इन्हें यहाँ पे माइनर्स कहा जाता है। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन किया जाता है तो उसकी जानकारी को ब्लॉक चेन में दर्ज किया जाता है, यानी कि उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है, और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इनक्रिप्शन का काम यहाँ पे माइनर्स का होता है। इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए एक उचित हैश यानी कि कोड को ढूंढते हैं। जब कोई माइनर्स सही हैश को ढूंढकर ब्लॉक को सुरक्षित कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क पर मौजूद अन्य कंप्यूटर्स द्वारा इसे वेरीफाई किया जाता है, और गाइस इस प्रोसेस को यहाँ पे कंसेंसस कहा जाता है। अगर कंसेंसस में ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि हो जाती है गाइस
और यह सही पाया जाता है तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर्स को क्रिप्टो कॉइन्स यहाँ पे दिए जाते हैं। यह दरअसल एक रिवॉर्ड होता है जिसे यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है।